हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं प्रेमचंद प्रजापति और मैं हूं एक सर्टिफाइड फार्मासिस्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दांत दर्द को जड़ से खत्म करने वाली दवाइयों के बारे में। ऐसी तीन दवा के बारे में हम बात करेंगे जो दांत दर्द को खत्म कर देगी। जब भी दोस्तों दांत में दर्द होता है तो दांत दर्द के साथ साथ वहां पे सूजन भी आ जाती है, झनझनाहट सी महसूस होती है और इन्फेक्शन की वजह से वहां पे दर्द भी हो सकता है और खाना खाते टाइम भी दांत दर्द होने लगता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे कि दांत दर्द में डॉक्टर द्वारा कौन कौन सी दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा जिससे आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। और दोस्तों, यदि आप चैनल पे नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी दांत का दर्द होता तो उसके इलाज के लिए तीन प्रकार की दवाइयां यूज की जाती हैं। पहली जो दवा होती है वो पेनकिलर मेडिसिन होती है जो दांत के दर्द को कम करती है, और जो दूसरी दवा होती है वो इंस्टेंट काम करती है, एंड तीसरी दवा एक एंटीबायोटिक दवा होती है जो इन्फेक्शन को कम करती है। दोस्तों, पहली दवा के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है किटरोल डीटी, जिसमें कॉम्बिनेशन है किटरोलैक एंड ट्रोमेथामाइन। और दोस्तों, इसमें किटरोल डीटी जो है वो 10 mg है और यही काम करता है दांत दर्द के इलाज में। और दोस्तों, ये दवा जो है डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जाती है और ये 15 गोली की एक स्ट्रिप आती है जिसकी MRP आपको 161 रुपए के आसपास मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ये दवा कब दी जाती है और क्या काम करती है बॉडी में। तो किटरोल डीटी जो टेबलेट है दोस्तों, वो एक NSAID ग्रुप की दवा है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है। जब दांत का दर्द हो, मॉडरेट पेन हो, सीवियर पेन हो, और जब दांत का दर्द ज्यादा बढ़ जाता है तब ये दवा जो है वो दी जाती है। जैसे दांत में तेज दर्द हो, सूजन हो, झंझनाहट हो, तब ये दवा दी जाती है। और दोस्तों, यदि डोज की बात करें तो एक टेबलेट BD यानी दिन में 2 बार दे सकते हैं, सुबह और शाम। ये दवा दिन में 3 बार भी दे सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन के ऊपर कि पेशेंट को किस प्रकार का दर्द है और कितना दर्द हो रहा है। ये दवा पानी में घोलकर लेनी होती है। ये दवा 1 गिलास पानी में 1 टेबलेट घोलकर लेनी होती है। और ये दवा जो है एक डिस्पर्सेबल टेबलेट होती है जो पानी में आसानी से घुल जाती है। और ये टेबलेट तब खानी होती है जब आपका दांत ज्यादा दर्द हो रहा है और आप सहन नहीं कर पा रहे हैं, तब आपको ये टेबलेट खानी होती है। और नॉर्मल दर्द में इस दवा को नहीं खानी चाहिए, इसके लिए दूसरी पेनकिलर दवाइयां हैं। दूसरी दवा के बारे में हम बात करेंगे कि कौन सी वो पेनकिलर दवाई है। वो है इंजोफ्लाम टैबलेट। इंजोफ्लाम इसका ब्रांड नेम है। और अब जानते हैं इसके अंदर क्या क्या कॉम्पोजिशन है। तो इसके अंदर जो कॉम्पोजिशन है वो है पैरासीटामॉल, डाइक्लोफिनेक एंड सेरेटोपेप्टिडेज, जिसमें पैरासीटामॉल 325 mg है एंड डाइक्लोफिनेक 50 mg है एंड सेरेटोपेप्टिडेज जो है वो 15 mg है। और ये एल्कम लेबोरेटरी लिमिटेड कंपनी द्वारा बनाई जाती है और इसकी 10 गोली की एक स्ट्रिप आती है जिसकी MRP लगभग 159 रुपए होती है। अब जानते हैं ये टैबलेट कैसे काम करती है। तो ये दवा भी एक NSAID ग्रुप की दवा है। तो यह दवा एक पेनकिलर मेडिसिन होती है जो दांत के दर्द को कम करती है, चाहे वो मॉडरेट पेन हो, सीवियर पेन हो, या तेज दांत का दर्द हो। और यह दवा दांत में तेज दर्द हो, सूजन हो, झंझनाहट हो, उसको भी कम करती है। और चाहे किसी भी प्रकार का दर्द हो बॉडी में, उसको कम करने के लिए यह दवा काम आती है। पेट दर्द के अलावा कोई भी अगर बॉडी में दर्द हो उसमें यह टैबलेट काम आती है। और अगर डोज की बात करें दोस्तों, तो एक टैबलेट BD यानी दिन में 2 बार, और यह दवा TDS भी ले सकते हैं, यानी दिन में 3 बार सुबह, दोपहर और शाम भी ले सकते हैं। और इस दवा को खाना खाने के बाद ही लेना होता है। नेक्स्ट दवा है दोस्तों एगमेंटिन 625 mg, जो कि एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है। और दोस्तों, अगर इस दवा की कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो कंपोजिशन है एमोक्सिसिलिन एंड पोटेशियम क्लोविनेट। तो दोस्तों, इसमें जो एमोक्सिसिलिन है वो 500 mg है एंड पोटेशियम क्लोविनेट जो है वो 125 mg है। और ये दवा ग्लेक्सो स्मिथ क्लीन फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा बनाई जाती है। और दोस्तों, बात करते हैं इसके काम करने की कि ये कैसे काम करती है। दोस्तों, ये एगमेंटिन 625 mg जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है,
जो हमारे शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कम करती है। जब भी आपके शरीर में किसी प्रकार की बैक्टीरिया के कारण आपके शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको रोकने का ये काम करती है। जैसे आपके गले का इन्फेक्शन, आपके मुंह का इन्फेक्शन, आपके नाक का इन्फेक्शन, आपके आंख का इन्फेक्शन और आपके दांत का इन्फेक्शन। और अगर मान लीजिए आपको अगर इन्फेक्शन हो गया और इन्फेक्शन की वजह से आपके दांत में दर्द है तो वहां पे भी ये दवा काम करती है। दोस्तों बात करें इस दवा के डोज के बारे में कि कैसे और किस प्रकार से इस दवा को लेना रहता है, तो इस दवा को एक टेबलेट बीडी यानी दिन में दो बार सुबह और शाम लेना रहता है। आप इस दवा को टीडीएस भी ले सकते हैं यानी दिन में तीन बार भी, लेकिन वो पेशेंट के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। और दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।